الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها آمنت بالله وصدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول رحمت مالک جنت شفیع امت سراپا جود و سخاوت باعث خیر و برکت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم تم جہاں کہیں رہو وہیں سے مجھ کو مجھ پر درود پاک پڑھو तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। आज ये निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगा कर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में निहायत ही ताज़ीम व अदब के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم। हाजरीन मोहतरम, हफ्तावारी इज्तिमाए पाक में आज हम जिस उनवान के तहत बात करेंगे वह तारीख़ बैतुल मुक़द्दस। मुसलमानों को ये बात मालूम होना चाहिए कि हमारा क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस, जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादगारें कायम हैं। ये क्या चीज़ है, इसकी तारीखी हैसियत क्या है, ये बात हमें यकीनन पता होना चाहिए। हमारी अक़ीदतों का मरकज़ है बैतुल मुक़द्दस, रूहानियत का मंबा है बैतुल मुक़द्दस, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम की कई आयात में, अभी मैं आगे इसका ज़िक्र करता हूँ, कई आयात में अल्लाह पाक ने उस सरज़मीन का तज़किरा फरमाया है और उसको बेशुमार दीनी व दुनियावी रूहानी और ज़ाहरी बरकतों से नवाजा है। उस शहर मुक़द्दस को जहाँ पर क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा कायम है, आज हम कुछ तफसीलात इस सिलसिले में सुनेंगे और आप इसको सुनकर याद रखें ताकि आपके दिलों में भी मोहब्बत पैदा हो, जज्बा पैदा हो। और आज जो मुसलमानों की हालत वहाँ है, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, ख़ास कर फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस की मुसलमानों पर, मुसलमानों के अल्लाह ग़ैब से मदद फरमाए, उन्हें अल्लाह फतह नुसरत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं बल्कि उस शहर मुक़द्दस की बेहरमती का भी मामला है, जहाँ पर अम्बिया कराम की मज़ारात हों, जहाँ पर क़िबला अव्वल है, बहुत सारी यादगारें जिस सरजमीन के साथ वाबस्ता हैं, ये ज़ालिम यहूदी इसराइल उसको अपने कदमों के तले रौंदते हुए उसकी बेहरमती करने पर तुले हुए। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर फजल फरमाए, रहम फरमाए, और काश बैतुल मुक़द्दस को ज़ालिमों के हाथों से आज़ादी नसीब हो जाए। सबसे पहली बात तो हम इस तारीख़ के आयने में ये समझेंगे कि बैतुल मुक़द्दस क्या चीज़ है और बैतुल मुक़द्दस कहाँ वाक़े है और इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, कुरान और हदीस में हमें क्या रहनुमाई इस बारे में मिलती है। तो तफसीरों में मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई
और सबसे पहले ये समझ ले कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर हैं कि जिन्होंने खाने काबा जहाँ आबाद है शहर मक्का को भी आबाद किया है और क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आबाद करने का शरफ़ हासिल किया है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों मुक़द्दस मकामात को आबादी बख्शी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल को वहाँ आबाद किया जहाँ आज खाने काबा है मक्कतुल मुकर्रमा, और इस तरह उन्होंने शहर मक्का को आबाद किया उस सरजमीन को। और हज़रत इब्राहीम ने अपने दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को जहाँ बसाया वो अर्द फ़लस्तीन था, सरजमीन फ़लस्तीन, वहाँ पर आबाद किया, तो उन्होंने जो है ना उस शहर को आबाद कर दिया। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्होंने दोनों मुक़द्दस शहरों को आबाद करने का शरफ़ बख्शा। वैसे तो इस शहर की तारीख और कदीम है, वो मैं आगे अर्ज़ करूँगा। मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है तफसीरों में कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम कोहे लबनान पर चढ़ जाओ और वहाँ से नज़र दौड़ाओ, जहाँ तक तुम्हारी नज़र पहुँचेगी उस सरजमीन तक हम उसको मुक़द्दस कर देंगे। अब आप उसको यूँ समझ लें कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाने काबा तामीर करने का हुक्म दिया, तो आपने काबा मुअज़्ज़मा की तामीर की और उसके बाद हुक्म फरमाया कि इब्राहीम काबा तामीर हो गया है, अब कोहे अबू कुबैस जो काबा मुअज़्ज़मा के करीब एक पहाड़ है जबले अबू कुबैस पर चढ़ जाओ और तुम लोगों को आवाज़ दो, हज के लिए बुलाओ। और कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन वअला कुल्ली दामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ये कुरान की आयत करीमा है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जबले अबू कुबैस पर चढ़ करके लोगों को आवाज़ दो, तो लोग हज करने के लिए मेरे घर के लिए आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मौला मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? फरमाया कि तुम्हारा आवाज़ देना काम है, आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। खाने काबा की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए अबू कुबैस पहाड़ पर और उसके बाद चारों तरफ आपने आवाज़ दी, लोगों अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, हज के लिए आओ। अब पैगंबर की आवाज की तासीर देखें कहां तक पहुंचती है, यानी कि आपकी आवाज सिर्फ उसके इर्द गिर्द रुक गई नहीं, दुनिया के गोशे गोशे में जहां तक इंसान बसते थे हजरत इब्राहीम की आवाज शहर मक्का से वहां तक पहुंचती, जहां तक नस्ल इंसानी कायम थी, दुनिया के खुश्क तर में हर जगह उनकी आवाज पहुंची। और जिन्होंने उनकी आवाज को सुनकर कहा लब्बैक इब्राहीम, मैं तुम्हारी हम तुम्हारे आवाज पर लब्बैक कहते हैं, अल्लाह के घर का हज करेंगे, जो उस वक्त बाहयात थे, छोटे या बच्चे, बूढ़े या जवान, औरत या मर्द, सब तक आवाज पहुंची, हर एक के कानों ने सुना। और जिन्होंने लब्बैक कहा और जितनी बार लब्बैक कहा उतनी बार उसको हज करने का शरफ मिलेगा। और सिर्फ वहीं तक नहीं महदूद रही आपकी आवाज, बल्कि माँ के पेटों में जो बच्चे थे उनके कानों तक भी आवाज पहुंची हजरत इब्राहीम की, पैगंबर की आवाज का करिश्मा देखे, वहां तक आवाज पहुंची, तो अपने माँ के पेटों में रहने वाले बच्चे जिन्होंने लब्बैक कहा और जितनी बार कहा वो भी उतनी बार हज करने का शरफ हासिल करेंगे। और सिर्फ वहीं तक नहीं बल्कि आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने चूंकि इंसानों को पैदाइश से पहले तमाम इंसानों की रूहों को पहले पैदा फरमा दिया है,
रूहें आज भी क़यामत तक जो औलाद आदम आने वाली हैं उनकी रूहें अल्लाह ने बना करके रख दिया है और जिस जगह पर जमा किया है रूहें उसको कहते हैं आलम अरवाह। और जब कोई बच्चा माँ के पेट में होता है और उसके बाद उसमें रूह डाली जाती है तो आलम अरवाह से उस रूह को मुंतकिल करके माँ के शिकम में उस बच्चे के अंदर ला करके डाल दी जाती है, रूहें बन चुकी हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज आलम अरवाह में भी पहुंची, रूहों की दुनिया में। तो जिन जिन रूहों ने लबैक जितनी मर्तबा कहा तो सबको उतनी मर्तबा काबे मुअज्जमा के हज करने का शरफ जरूर नसीब होगा। तो हजरत इब्राहिम की आवाज की ये ताकत थी जो खुदा की दी हुई ताकत थी। इसी तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इब्राहिम कोहे लबनान पर चढ़ो, लबनान पहाड़ी पर, और निगाह दौड़ाओ, जहां तक तुम्हारी निगाह पहुंचेगी मैं उस जमीन को मुकद्दस कर दूंगा। हजरत इब्राहिम सलाम खड़े हुए और उसके बाद आपने निगाह दौड़ाई तो आपकी निगाह कहां तक पहुंची? मुफस्सिरीन ने इस बारे में लिखा है आपकी निगाहों की उसात का हाल ये था कि आपकी निगाह बहुत दूर दराज इलाके तक पहुंची। जहां तक आपकी निगाह पहुंची वो शाम की सरजमीन थी, उर्दुन का कुछ इलाका था, मिस्र की सरजमीन थी, काफी दूर तक आपकी निगाह पहुंची। और अल्लाह ताला का वादा क्या था? जहां तक निगाह पहुंचेगी हम उस सरजमीन को मुकद्दस बना देंगे, बरकत वाली बना देंगे। शाम जो इस दौर में सीरिया कहा जाता है वहां तक आपकी निगाह पहुंची। आज जो मौजूदा फलस्तीन है ये उस दौर में, बल्कि नबी करीम सलाम के दौर तक ये फलस्तीन मुल्क शाम का इलाका कहा जाता था, बिलाद शाम में लगता था। उसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि जैसे कि आज हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से आज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये खारिज है। लेकिन आप अगर पहले जाएंगे पुराना हिंदुस्तान देखेंगे, जब आप हिंदुस्तान का नाम लेते उस वक्त का पुराना हिंदुस्तान जो था वो ये इंडिया भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, अफगानिस्तान के कुछ इलाके और क्या कहते हैं कि श्रीलंका भी, ये सारा मिल करके एक हिंदुस्तान कहलाता था। अब सारे अलग अलग ममालिक हो गए, अलग अलग मुल्क हो गया। तो उस जमाने में फलस्तीन बैतुल मुकद्दस जहां आज आबाद है ये शाम का हिस्सा कहा जाता था, शाम का खित्ता कहा जाता था। यानी जब आप शाम बोलते तो उससे मुराद फलस्तीन भी होता, फलस्तीन भी शामिल था, मिस्र के इलाके भी शामिल थे। तो गोया कि हजरत इब्राहिम सलाम की निगाह जो जाती है तो फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचती है, शाम की सरजमीन पर पहुंचती है, उर्दुन का कुछ इलाका था वहां की सरजमीन तक पहुंचती है, मिस्र की सरजमीन तक पहुंचती है। बहुत उसात तक अल्लाह ताला ने आपकी निगाहों को उसात अता फरमाई। तो जहां तक निगाह पहुंची वो सब जगह क्या हो गई? वो अर्द मुकद्दसा, अर्द कहते जमीन को, यानी मुकद्दस सर जमीन हो गई। अब देखिए कुरान अजीम की तकरीबन 6 आयतें जो हमारे मालूमात के मुताबिक हैं। अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को जिसको हम कहते हैं फलस्तीन की सरजमीन, फलस्तीन बाकायदा आज के दौर में एक मुल्क है और बैतुल मुकद्दस उसी फलस्तीन की राजधानी, उसका दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है इसी तरह फलस्तीन मुल्क है, उसकी राजधानी बैतुल मुकद्दस है। और बदनसीबी से आजकल ये यहूदियों के कब्जे में है। आज से 100 बरस पहले ये मुसलमानों के मातहत ये सारे इलाके थे, लेकिन अब यहूदियों ने उस पर मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया हुआ है फलस्तीन को। तो अब फलस्तीन और जो अर्द मुकद्दसा की बात मैं कर रहा हूं कि कुरान ये उस मुकद्दस सरजमीन की बात है जहां से हमारे यादगारें वाबस्ता हैं। अल्लाह ने इसका तस्करा कुरान अजीम की कई आयात में फरमाया है, जैसे कि मैंने खुतबा के बाद आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम कि सफर का, हिजरत का तस्करा करते हुए फरमाया कि वनजैनाहु वलूतन इलल अर्दिल लती बारकना फीहा। फरमाया कि हमने इब्राहिम को और लूत को निजात दी उस सरजमीन की तरफ जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। मुफस्सिरीन फरमाते इस सरजमीन से मुराद फलस्तीन की सरजमीन है।
हज़रत इब्राहिम सलाम इराक में पैदा हुए थे, बाबिल आपके शहर का नाम था जहां आपकी पैदाइश थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपने इराक से हिजरत की तो बैतुल मुकद्दस जाकर के आबाद हुए और बैतुल मुकद्दस को आपने आबाद करने का शरफ हासिल किया। तो हज़रत इब्राहिम सलाम ने जिस सरजमीन की तरफ हिजरत की अल्लाह ने फरमाया बारकना फीहा, हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। इसी तरह मशहूर आते करीमा जो मेराज के मौके पर आप सुनते हैं, सूरह इसरा 15वां पारा पहली आयत, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने फरमाया मस्जिद अक्सा वो सरजमीन है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। अब देखो वो सरजमीन कैसी मुकद्दस होगी अल्लाह ने जिसकी बरकतों का जिक्र अपने कलाम में फरमाया है, बताएं कैसी मुकद्दस होगी। इसी तरीके से आप देखें सूरतुल आराफ आयत नंबर 137, अल्लाह पाक ने फरमाया मशारिकल अर्द व मगारिब हल्लती बारकना फीहा, वहां पर भी यानी जमीन के मशरिक व मगरिब का जिक्र किया अल्लाह ने, फरमाया कि वो सरजमीन है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है। यहां भी मुराद फलस्तीन की सरजमीन है। सूरह अंबिया आयत नंबर 71 जो अभी आपने सुना, अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत का जिक्र फरमाया। सूरह सबा आयत नंबर 18 अल्लाह पाक ने फरमाया वजअलना बैनहु वबैनल कुरल लती बारकना फीहा, यहां पर भी जिस सरजमीन का जिक्र फरमाया है इससे मुराद अर्दे फलस्तीन है, फलस्तीन की सरजमीन है। उसके बाद में आप देखें कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया कि सुलेमान अभी आसिफतन तजरी बिअम्रही इला अल-अर्द लती बारकना फीहा, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तेज हवा को मुसख़र कर दिया था और आप हवा को हुक्म देते तो हवा आपको उस सरजमीन पर ले जा करके डाल देती जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी थी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया अपनी कौम को लेकर के चलो या कौम उदखुलुल अर्द अल मुकद्दसत अल्लती कतब अल्लाह लकुम, हजरत मूसा ने कहा मेरे कौम उस सरजमीन में मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है। छह आयतें करीमा हमने आपको सुनाई, इन सब में मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे मुराद जो अल्लाह ने फरमाया मुकद्दस सरजमीन है जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी है वो अर्दे फलस्तीन है, बैतुल मुकद्दस की सरजमीन है। बताओ कितना मुकद्दस होगी वो सरजमीन जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया। और फिर हदीस पाक में हजरत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है कि या रसूल अल्लाह बैतुल मुकद्दस के बारे में कुछ इरशाद फरमा दे वो क्या है, तो मेरे आका फरमाते हैं आदुल महशरी वल मंशर, बैतुल मुकद्दस वो सरजमीन है जहां पर मैदान मैशर कायम होगा, लोग अपनी अपनी कब्रों से उड़ करके मैशर की सरजमीन पर आएंगे, वो फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस की सरजमीन होगी। आपने सुना था मुल्क शाम की सरजमीन पर मैदान मैशर कायम होगा और मैंने बताया कि मुल्क शाम में ही फलस्तीन की सरजमीन कायम है, यानी ये उसी का इलाका है, अलग पुराने दौर के नक्शे के मुताबिक फलस्तीन जो सरजमीन है ये मुल्क शाम ही का इलाका कहा जाता है। तो गोया कि शाम जो आज का है और फलस्तीन ये दोनों मिलकर के ये सीरिया का इलाका कहलाता है और इसी सरजमीन पर मैशर का मैदान कायम होगा, तमाम लोग दुनिया भर से अपने अपने कब्रों से निकल करके उसी सरजमीन पर जा करके अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे और हिसाब व किताब का मामला होगा, ये वो मुकद्दस सरजमीन है। अब देखिए कि बार बार कुरान ने फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो सरजमीन जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, तो कौन सी बरकतें हैं, तो देखें उस फलस्तीन की सरजमीन की जो बरकतें हैं वो दो तरह से हैं, एक रूहानी बरकतें हैं, एक रूहानी बरकतें हैं। रूहानी बरकतें क्या हैं उस सरजमीन पर, उस सरजमीन पर रूहानी बरकतें सबसे बड़ी बरकत तो यह है कि अंबियाए किराम अलैहिम सलाम के मुबारक कदम को मुबारक कदम वहां से लगे, यानी उस सरजमीन ने अंबिया के मुकद्दस कदमों के चुभने का बोसा लिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शबे मेराज आप देखें सारे अंबियाए किराम
एक साथ तमाम अंबिया इकराम उस सरजमीन के अलावा कहीं जमा ना हुए, लेकिन बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर शबे मीराज तमाम अंबिया इकराम जमा हुए। और तमाम अंबिया इकराम नहीं, इमामुल अंबिया भी तशरीफ ले आए। इमामुल अंबिया तमाम अंबिया ने अपने मुबारक कदम से उस सरजमीन को फैज बख्शा है। बताए कितनी मुकद्दस होगी। और इसके अलावा भी हजारों हजार 30,000 तक ये तादाद आती अंबिया कराम के मजारात वहां पर है। बेशुमार अंबिया कराम हिजरत करके वहां गए। बहुत सारे अंबिया कराम की पैदाइश की जगह है वो सरजमीन बैतुल मुकद्दस की सरजमीन। बहुत ये बताना रूहानी जो बरकतें अल्लाह ने दी है, रूहानी बरकतें उस सरजमीन को, कितने अंबिया कराम के मुकद्दस मजारात आज भी हैं। आपने कोहे दूर सुना होगा, बैतुल मुकद्दस का एक नाम जो है ना इलिया भी है, बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, अल-कुद्स भी कहा जाता है, इलिया भी कहा जाता है, और यहूदी इसको यरूशलम कहते हैं। यरूशलम ये फलस्तीन की राजधानी बैतुल मुकद्दस को, यरूशलम मतलब खुदाई हुकूमत, खुदाई मस्कन, ये उसका माना होता है। तो वो सारे नाम अलग अलग हैं, चीज एक ही है, शहर एक ही है। बैतुल मुकद्दस से कितने अंबिया कराम, बेशुमार अंबिया कराम के मतलब यादगारें उस सरजमीन के साथ काम है। कोहे तूर आपने सुना होगा, जबले तूर जहां पर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से हम कलामी का शर्फ हासिल किया, वो भी अल-कुद्स के खित्ते में है। जबले तूर भी हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश जिस मकाम पर हुई उसको बैतुल लहम कहा जाता है, वो भी अर्दे फलस्तीन में है। अरे एक बात और बता दो चलते चलते, मेरे करीम आका अलैहि सलाम शबे मेराज हदीस पाक में है, जहाँ हदीसे जहाँ हदीसे मेराज है उसमें जिक्र है। सरकार जब शबे मेराज जा रहे थे बैतुल मुकद्दस, हरम मोहतरम से बैतुल मुकद्दस जा रहे थे, रास्ते में जब वो फलस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे तो बैतुल लहम आया, हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश की जगह। तो हजरत जिब्रील ने हुजूर से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह यहाँ पर रुके, और रुक करके नमाज पढ़े। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने उस मकाम पर रुक करके दो रकात नमाज पढ़ी। पूछा जिब्रील ये कौन सी जगह है, हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये वो जगह है जहां पर हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी। सुभान अल्लाह। अब देखिए ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हजरत ईसा अलैहि सलाम की है, लेकिन नमाज उस सरजमीन पर कौन पढ़ रहा है, इमामुल अंबिया पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, और भी जगह थी वहां नमाज नहीं पढ़ी, तो पता चला कि पैगंबर की पैदाइश की जगह ये बहुत मुबारक और मुकद्दस होती है। इमामुल अंबिया ने पैगंबर की मिलाद यानी पैदाइश की जगह पर नमाज पढ़ करके उम्मत के लिए ये सुन्नत बना दिया है कि अगर पैगंबर की विलादत की जगह हो तो ये मामूली और आम जगह नहीं है, ये बाइस बरकत है, वहां पर नमाज पढ़ना चाहिए, वहां पर दुआ करना चाहिए। तो पैगंबर की पैदाइश की जगह की अहमियत देखे, पैगंबर की पैदाइश की जगह पर इमामुल अंबिया नमाज पढ़ करके सुन्नत बना रहे हैं, ये तबर्रुकात की असल है। और आज आप जाकर के मक्का शरीफ में देखेंगे जहां हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो बीबी आमिना का घर, आज वहां पर लाइब्रेरी बनी है, नजदी वहां खड़े भी नहीं होने देते आपको, कहेंगे शिर्क है, बिदअतवान ना दुआ कर सकते हैं, ना कुछ पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, हर चीज उनके यहाँ शिर्क है, शिर्क से नीचा कोई दर्जा ही नहीं है, सब चीज शिर्क है, कोई गुनाह सगीरा भी करेगा वो भी शिर्क है। नजदी वहां आपको खड़े होने नहीं देते हैं, भगा देते हैं, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी है। हालांकि हुजूर की पैदाइश की जगह है, इमामुल अंबिया की पैदाइश की जगह है, और एक ईसा अलैहि सलाम नबी की पैदाइश पर इमामुल अंबिया नमाज पढ़ करके उस सरजमीन को बाइस बरकत बना रहे हैं। वो तो खुद पहले से बाइस बरकत है, लेकिन अपनी सुन्नत बना रहे, क्या बताना चाहते हैं, यही ना उम्मत को पैगाम देना चाहते हैं कि नबी की पैदाइश की जगह ये मुकद्दस होती है, इमामुल अंबिया यहां नमाज पढ़ते हैं। तो जो इमामुल अंबिया की पैदाइश की जगह हो, बताओ उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना शरफ होगा, यह हदीस में लिखा हुआ है, लेकिन नजदी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनका अकीदा देख ले और हुजूर सलाम का जो तर्ज अमल है तरीका वो देख ले। बहरहाल ये बात एक जिमनी तौर पर बताना था, आगे चले। मेरे आका सलाम तशरीफ ले गए तो बताया रहा था कि वहीं पर बैतुल लहम हजरत में
रूहानी जो बरकतें अल्लाह ने रखी है ना उस सरजमीन पर, हमें उस सरजमीन से क्यों प्यार है, हम क्यों मोहब्बत करते हैं कि मुसलमानों की बहुत सारी यादगारें कायम हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम वही एक गुंबद है कुब्बतुस्सुख्रा, पीले कलर का गुंबद जो नजर आता है ना। आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यहूदियों की साजिश क्या पता है, बैतुल मुकद्दस को ये छुपाना चाहते हैं। आप इंटरनेट पर के मस्जिद अक्सा लेकर सर्च करेंगे तो आपको वो पीले कलर का गुंबद नजर आएगा, और ये बताना चाहते हैं कि यही मस्जिद अक्सा है। हालांकि पीले कलर का जो गुंबद है, सुनहरी कलर का बड़ा गुंबद है, वो मस्जिद अक्सा नहीं है, वो कुब्बतुस्सुख्रा है। ये वो मकाम है जहां से मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज पर, आसमानी मेराज पर तशरीफ ले गए थे। वो मस्जिद अक्सा नहीं है जो हमारा क़िबला अव्वल था, वो नहीं है। जो मस्जिद अक्सा आपने कभी फोटो में देखा होगा, उसका गुंबद जो है ना, वो सियाही बमाइल सफेदी सुरमई कलर का गुंबद है। जिस तरह शाही इमारतों का गुंबद होता है सुरमई कलर का, उस तरह के गुंबद है, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। यहूदी उसको छुपाना चाहते हैं, क्योंकि यहूदियों का सबसे बड़ा मिशन आज की तारीख में जो है ना वो तीन है। पहला मिशन कि फलस्तीन से मुसलमानों का खात्मा कर देना, उसमें लगे हुए हैं, 100 बरस से लगे हैं। दूसरा मिशन इनका जो है ना मस्जिद अक्सा को शहीद करना, और इसके पीछे उन्होंने बहुत कुछ तैयारी कर ली है। और इनका तीसरा मिशन यहूदियों का जो है वो है थर्ड टेम्पल, हैकले सुलेमानी को तामीर करना। ये मैं आगे चल करके कुछ देर बाद आपको इसकी तफसील बताता हूँ। मैं अभी आपको ये समझा रहा था कि जो हमारी यादगारें उस शहर मुकद्दस से वाबस्ता, उसकी वजह क्या है, अल्लाह ने कितनी रूहानियत वहां रख दी है, कितनी बरकतें रख दी है वहां पर। वही वो जगह है जहां पर मेरे आका ने बुराक बांधा था, मस्जिद नबी बनी हुई है वहीं पर, वही बैतुल मुकद्दस वो शहर है जहां पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपना दारुस सल्तनत कायम फरमाया था, हैकले सुलेमानी था। पैगंबर हमारे हैं, हम तमाम पैगंबरों से मोहब्बत करते हैं, उनसे नस्बत रखने वाली हर शय से मोहब्बत करते हैं। बहुत सारे अंबियाए कराम पर नुज़ूल वही का सिलसिला उस सरजमीन के साथ रहा, अल्लाह का कलाम नाजिल होता रहा, अंबियाए कराम तशरीफ लाते रहे, अंबियाए कराम के मुबारक कदम ने उस सरजमीन को चूमा है। गर्ज की वो सरजमीन रूहानी एतबार से जो है ना वो एक मरकज है, और रूहानियत का मंबा और मखजन है। बहुत सारे पैगंबरों की यादगारें उस शहर मुकद्दस से कायम है। ये तो दीनी और रूहानी बरकतें थी, और साथ साथ अल्लाह ने उस शहर मुकद्दस को दुनियावी बरकतों से भी नवाजा है। आप जाकर देखें उस शहर की हवाएं इतना मुकद्दस, इतनी पाकीज़ा हैं। उस शहर में फल फ्रूट कसरत से पैदा होते, नहरें हैं, बागात हैं, खेतियां हैं, झरने हैं, बहुत सारे दुनिया का जो खूबसूरत एक मंजर होता है ना, एक दुनिया की खूबी होती है, वो तमाम हरियाली शादाबी, वो बागात फ्रूट फल किस्म किस्म के, नहरें पानी, ये तमाम जो है ना खूबसूरत चीजें, जिसको मतलब ये कहते हैं कि दुनिया की जन्नत कह लेना, उस शहर में सब मौजूद है। अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों से उस शहर मुकद्दस को नवाजा है। तो ये जो शहर है दीनी दुनियावी रूहानी जिस्मानी हर तरह से जो है ना एक अपनी हैसियत आप ही रखता है शहर बैतुल मुकद्दस। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि वो हमारा क़िबला अव्वल भी है। हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अहले ईमान का क़िबला तो काबा मुअज़्ज़मा था, जो हरम मक्का शरीफ में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, बल्कि हमारे आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक और सरकार की हिजरत तक, मुसलमानों का यानी अहले ईमान का क़िबला बैतुल मुक़द्दस रहा। कहाँ रहा? बैतुल मुक़द्दस। जब मेरे आका की मक्की जिंदगी थी, सरकार मक्का शरीफ में होते तो इस तरह नमाज पढ़ते कि सामने काबा मुअज़्ज़मा भी होता और बैतुल मुक़द्दस भी होता, यानी दोनों क़िबला की रियायत करते हुए सरकार नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन जब हिजरत मदीना हुई, अब हिजरत मदीना के बाद ये पॉसिबल ना रहा। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस है, दूसरी तरफ उसके अपोजिट में जो है ना खाने काबा है। अगर किसी एक की तरफ रुक करते तो दूसरा पुष्ट होता। तो आपने हिजरत मदीना के बाद 16 या 17 महीना मुख्तलिफ रवायतों के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा है।
इमाम अंबिया जिसको अपना किबला बना रहे हैं, बताओ कितना वो अजीम अकीदतों का मरकज होगा। 16 या 17 महीने नमाज पढ़ने के बाद फिर हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने महबूब का किबला जो है ना काबा मुअज्जमा बना दिया, जो काबा मक्कतुल मुकर्रमा में, और फिर हमेशा अभी क़यामत तक यही काबा मुसलमानों का मुताज़ियन हो गया। तो मुसलमानों की यादगारें बहुत सारी वाबस्ता हैं उस शहर मुकद्दस के साथ में। इसी तरह दुनिया का वाहिद वो शहर है बैतुल मुकद्दस, वाहिद शहर ऐसा है कि जिसके साथ दुनिया का 3 बड़ा मजहब जिनकी यादगारें उस शहर के साथ वाबस्ता हैं, इसीलिए लड़ाई हो रही है। यहूदी भी उस शहर को बहुत मानते हैं, यहूदियों की मरकज अकीदतों का मरकज है वो शहर, क्योंकि यहूदी जो है ना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो उनको पैगंबर बहुत तस्लीम करते हैं। तो उसी शहर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मतलब किला था, या यूं कहने की इबादत खाना बनाया था उन्होंने, जिसको हैकल कहते हैं, हैकल सुलेमानी। और हजरत सुलेमान सलाम वहीं बैठकर ज़्यादातर इबादत करते थे, और आप चूँकि पूरी दुनिया के बादशाह थे, तकरीबन 30-33 बरस तक आपने हुकूमत की थी, वहीं से निज़ाम हुकूमत चला करते थे। एक पत्थर था, वो तख्त था, जो तख्त सुलेमानी उसी हैकल सुलेमानी में रखा हुआ था, और ताबूत सकीना भी वहीं पर था। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहीं से निज़ाम हुकूमत चला करते थे। तो यहूदी हजरत सुलेमान को बहुत मानते हैं, तो उनका जो हैकल था जिसको टेंपल कहते हैं इंग्लिश में, तो उस हैकल सुलेमानी को गिरा दिया गया, गिरा दिया गया है। तो यहूदियों के नज़दीक उसकी एक दीवार बाकी है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। आज भी यहूदी वहां जाकर रोते हैं, दुआएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और इस कोशिश में हैं कि काश हम किसी तरह दोबारा हैकल सुलेमानी को तामीर करने में कामयाब हो जाए। तो इस तरह यहूदियों का भी मरकज है शहर मुकद्दस, और ईसाइयों के लिए इस तरह वो शहर मुकद्दस मरकज है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल लहम भी वहीं पर है। लिहाजा ईसाई भी उस शहर को मानते हैं। मुसलमानों का तो मरकज है अकीदतों का, मुसलमान तो तमाम अंबिया कराम को मानते हैं, जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए, बल्कि मुसलमानों का ज्यादा अकीदतों का मरकज है, ज्यादा निशानियां, यादगारें, शायर ज्यादातर मुसलमानों के वहां पर हैं। तो ये 3 बड़े मजहब ऐसे हैं जिनकी यादगारें उस शहर के साथ वाबस्ता है। हर कोई चाहता है कि शहर हमारे हाथ में रहे, ये हमारे कब्जे में रहे, हमारे अंडर में रहे, इसी वजह से कसरत के साथ वहां लड़ाइयां होती हैं। अब आप देखें कि बैतुल मुकद्दस की जो तारीख है ना, ये बहुत कदीम है। इतनी पुरानी तारीख है बैतुल मुकद्दस की कि जितनी पुरानी समझ लेना कि यानी नस्ल इंसानी है, ऐसे ही बैतुल मुकद्दस की तामीर है। हदीस पाक में है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह, सबसे पहला घर जो रूहे जमीन पर तामीर किया गया वो कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया कि वह बैतुल्लाहिल हराम, वो अल्लाह ताला का हरम मोहतरम काबे मुअज्जमा है, ठीक है ना। और कुरान ने भी इसकी शहादत दी, इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत बारका, ये कुरान की आयत करीमा, सबसे पहला घर रूहे जमीन पर वो खाने काबा। उसके बाद फिर पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, दूसरा घर रूहे जमीन पर इसके बाद कौन सा बना? मेरे आका फरमाते हैं वो बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा की तरफ इशारा किया सरकार ने, वो तामीर किया गया। पूछा गया हुजूर इन दोनों के दरमियान फासला क्या था? फरमाया 40 आमन, 40 साल का फासला था। यानी आप यूं समझ लें कि रूहे जमीन का पहला घर खाने काबा है, उसके 40 बरस के बाद मस्जिद अक्सा बनाया गया था बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन की सरजमीन पर। कितना पुराना घर होगा, कितना पुराना घर होगा ये मस्जिद अक्सा। और सबसे पहले जिस तरह खाने काबा की तामीर सबसे पहले फरिश्तों ने की, इसी तरह वो बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की तामीर भी सबसे पहले फरिश्तों ने की थी। दूसरी मरतबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो बैतुल मस्जिद अक्सा की तामीर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम बिन नूह ने तामीर की थी, साम बिन नूह ने। इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद अक्सा की तामीर की, तामीर का सिलसिला। यानी ये बता रहा हूँ कि उस शहर की तारीख बहुत पुरानी है, आज का शहर नहीं। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, आज हम सुन रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस में फिलिस्तीन में बहुत लड़ाइयाँ हैं, बहुत झगड़े हैं, यकीनन हो रहा है।
वो शहर ऐसा है ना बैतुल मुकद्दस, मुअर्रखीन ने लिखा है कि इतनी कसरत के साथ जंगें हुई हैं कि वहां की जंगों का शुमार करना मुमकिन ही नहीं है। इतनी कसरत के साथ जंगें हुई और वहां पर मरने वालों की, जख्मी होने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है, जब से वो शहर आबाद हुआ है उसका शुमार मुमकिन ही नहीं है। बैतुल मुकद्दस पर एक ऐसा भी दौर गुजरा है, ऐसा भी दौर गुजरा है, वहां पर जालिमों ने जब हमला किया तो खून की नदियां बहा दी, अगर लोग चलते तो उनके पांव खून से सन जाया करते थे, हर तरफ खून ही खून था, खून ही खून था। ये वक्त भी गुजरा है और ये वक्त भी आया है कि जब बख्त नसर बादशाह ने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था, उनके बाद बनी इसराइल दो फिरकों में बढ़ गए, उनके जवाल का वक्त आया, बख्त नसर काफिर बादशाह जिसको शद्दाद कहा जाता है, जिसने दुनिया ही में जन्नत बना डाली थी, उस बादशाह ने जब हमला किया तो इस तरह तख्तो ताराज कर दिया बैतुल मुकद्दस को, तमाम इमारतें गिराकर जमीन बोझ कर दी, बिल्कुल मिसमार कर दिया, पूरा शहर को वीरान कर दिया। वहां जो यहूदी आबाद थे उन यहूदियों को कत्ल कर दिया, जो यहूदी बच गए उनको गिरफ्तार करके नहरे फरात के किनारे ले जाकर आबाद कर दिया। उसी जगह को तल अबीब कहा जाता है, आज भी वो जगह आबाद। ये बदबخت नसर ने किया। इसी तरह इस शहर की जो तारीख है ना, ये इतनी कदीम है और इतनी हमेशा यहाँ पर जंगें होती रहीं, लड़ाइयाँ होती रहीं, ये कोई आज नई बात नहीं है। यानी चूंकि यहूदी ईसाई मुसलमान तीनों इसको मानते हैं, कभी यहूदियों का के हाथ में था तो फिर क्या हुआ, उसके बाद ईसाइयों ने हमला किया, कभी फिर उसके बाद ईसाइयों के हाथ में आया, फिर यहूदियों के हाथ में आया, फिर रोमियों के हाथ में आया, इस तरीके से शहर का चेंजिंग जो है ना, निज़ाम हुकूमत बदलता रहा, इस तरह हमला होता रहा। इस शहर को मतलब बर्बाद करने वालों ने बर्बाद किया, उजाड़ा, लेकिन इसी तरह आबाद करने वालों ने भी शान शौकत के साथ आबाद किया, फिर दोबारा लहलहाने लगा, फिर दोबारा सब्ज शादाब हो गया। तो इस शहर की तारीख ये यूं समझ लो कि बहुत पुरखतर है, इस एतबार से देखा जाए बहुत बार जंगें हुई, हमले हुए और झगड़े हुए, फसाद हुए, खुरेजियाँ हुई, कत्ल गारत गरी हुई, शहर को मिसमार किया गया, वीरान किया गया, खराब कर दिया गया, लेकिन फिर अल्लाह की रहमत देखे, आबाद करने वाले उसको आबाद करते रहे, वीरान करने वाले वीरान करते रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद जो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह किया, उसके बाद फतह करने के बाद आपने फिर मस्जिद अक्सा की तामीर शुरू की, लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा था, आपका इंतकाल का वक़्त करीब आया, आपने अपने बेटे हजरत सुलेमान को वसीयत की कि बैतुल मुक़द्दस में जो मस्जिद अक्सा है इसको तामीर कर लेना। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर शुरू की, तो आप जो काम करवाते थे जिन्नातों से करवाते थे, जिन्नात आपसे बहुत डरा करते थे, काम कर चूंकि बहुत बड़ी वसी मस्जिद है ना, काफी वक्त लग गया तामीर होते होते, जिन्नात काम में लगे रहे और आपका मामूल ये था कि आप नमाज पढ़ने खड़े होते, कई कई दिन तक नमाज पढ़ते रहते थे। आपकी विसाल का वक्त करीब आया, तामीर अभी बाकी थी, तो आपने नहाया, गुसल किया, अच्छे कपड़े पहने, उसके बाद अपने असा से टेक लगाकर नमाज के लिए खड़े हो गए। जिन्ना समझ रहे कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, काम में लगे हुए हैं। एक साल गुजर गया, इसी पीरियड में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, आपकी रूह कब्ज हो गई। जिन्नात क्या समझ रहे थे, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, कुरान अजीम में है ये बात जो मैं कह रहा हूँ। जिन्नात क्या समझ रहे थे, हजरत सुलेमान सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, चूंकि आपकी आदत थी कई कई दिनों तक यूं खड़े खड़े नमाज पढ़ते रहते, लिहाजा वो डर के मारे काम में लगे रहे। यहाँ तक कि जब तामीर मुकम्मल हो गई मस्जिद अक्सा की, तो खुदा की कुदरत देखें कि पैगंबर की शान देखें, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, आपकी वफात हो गई, आपका जिसमें अकदस वैसे ही लाठी के सहारे खड़ा रहा, कोई चेंजिंग ना आई, कोई तब्दीली ना आई। हालांकि रूह निकलने के बाद दो चार दिन अगर जिसम ऐसे पड़ा रहे तो सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू आती है, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। पैगंबर की मुबारक ये वजूद था, उनका जिस्म था, खड़ा रहा काफी अरसा तक। जब वो तामीर मुकम्मल हो गई मस्जिद अक्सा की, खुदा की कुदरत देखें कि उनकी लाठी को दीमक ने खा लिया, लकड़ी हो गई, गल गई, तो लकड़ी जब गिरी उसी के सहारे आपका जिस्म अकदस था, तो आपका जिस्म जमीन पर तशरीफ लाया, तब इन जिन्नातों ने समझा कि हम तो धोखा खा गए, हजरत सुलेमान सलाम तो कब के विसार फरमा गए।
बहरहाल तामीर बैतुल मुकद्दस वो मस्जिद अक्सा तो मुकम्मल हो चुकी थी, इस तरह उन्होंने तामीर को मुकम्मल किया। उसके बाद फिर बनी इसराइल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल का दौर आया तो इन पर जवाल आ गया। फिर मैंने बताया कि मुख्त नसर बादशाह ने इस शहर को ताराज किया, तबाह किया, बर्बाद किया, इस तरह जंगे होते रहे। इसमें एक यादगार मैं जो आपको बता रहा था यहूदियों की बड़ी साजिश, और वो है हैकल सुलेमानी। मैंने बताया कि यहूदी अभी तीन चीज इनके पेशे नजर है, ये टारगेट में लगे पे दिनों रात इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि ये जो शहर था ना, आपको मालूम होगा कि हजरते उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगैर जंग के फतह किया था अपने दौरे खिलाफत में। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त ईसाइयों के हाथ में था, बगैर जंग के फतह किया था। उसके बाद हजरत उमर के बाद काफी अरसा मुसलमानों के कब्जे में रहा ये शहर, लेकिन धीरे धीरे मुसलमान कमजोर होते गए, फिर ईसाइयों ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। तकरीबन यूं समझ लें कि ईसाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया इसको 11वीं सदी हिजरी में। उसके बाद फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अजूबी का दौर आया, बहुत बड़े सलीबी जंगों का हीरो, बहुत अजीब मुजाहिद, सच्चे आशिक रसूल। सारी जिंदगी आपने लगा दी कि बैतुल मुकद्दस को फतह करना, एक ही धुन थी बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए अपनों और गैरों से तकरीबन 16 जंगें लड़ी हैं सलाहुद्दीन अजूबी ने। अपने दरमियान मुनाफिक होते थे ना उस दौर में, जो खलीफा होते थे अय्याशी में लगे रहते थे, ये खुद आड़े आते थे, उनसे भी जंगे लड़ी, 16 जंगे लड़ी। और आपने बैतुल मुकद्दस में नसब करने के लिए आलीशान मिंबर बनवाया था, हर जंग में अपने साथ वो मिंबर रखा करते थे कि जैसे मस्जिद अक्सा फतह होगी मिंबर हम वहां लगा देंगे। 16 जंगे लड़ने के बाद 1187 में बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, सलाहुद्दीन अजूबी ने फतह किया। उसके बाद फिर मुसलमानों के हाथों रहा और फिर खिलाफत उस्मानिया का दौर आया। खिलाफत उस्मानिया का जब तक दौर रहा मुसलमानों के हाथ में था, अब उसके बाद क्या हुआ, तकरीबन एक सदी यानी 100 साल हुआ यहूदी उस जगह आबाद होते रहे धीरे धीरे, के एक एक दो दो करके पूरी दुनिया से यहूदियों की, मतलब ये साजिश थी चूंकि पूरी दुनिया में यहूद की कोई हुकूमत ही नहीं है, कोई रियासत नहीं थी, अब जाकर के यहूदियों की एक रियासत पूरी दुनिया में इसराइल जो कायम हुई है फलस्तीन की सरजमीन पर, वो भी फलस्तीनियों की जमीनों को जबरदस्ती छीन करके उन्होंने जो है ना अपनी हुकूमत कायम कर दी फलस्तीन। यहाँ पर ये अक्वामे मुत्तहिदा में बिल पास किया गया कि फलस्तीन को दो हिस्से किए जाए, एक हिस्से में मुसलमान आबाद रहेंगे, दूसरा हिस्से में यहूदी अपना जो है ना वो हुकूमत बनाएंगे, अपना मुल्क बनाएंगे, इसराइल बनाएंगे, और उन्होंने बना लिया। उसके बाद अब उन्होंने बैतुल मुकद्दस जो राजधानी थी फलस्तीन की, उस पर भी मुकम्मल तौर से कब्जा कर लिया। तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अजूबी की फतह करने के बाद ये मुसलमानों के कब्जे में था एक सदिया तक, खिलाफत उस्मानिया के दौर में भी मुसलमानों के हाथों में था, यहूदी वहां पर कोई ना था, लेकिन पूरी दुनिया के यहूदी वहां धीरे 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 करके जमा होते रहे, आबाद होते रहे, हत्ता कि तकरीबन 6.5 लाख यहूदी 1948 तक जो है ना वहां जमा हो गए। और 1948 में इन्होंने क्या किया कि मुकम्मल तौर से इस जो है ना जिस इलाके में थे उसको अपना पूरा एक मुल्क बना लिया, तस्लीम कर लिया, अपना पूरा मुल्क बना लिया। और इस तरह मुसलमानों की जमीनें धीरे 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 कब्जा करते करते मुसलमान जो फलस्तीनी हैं उनकी जमीनें कम रह गई, इसराइलियों की जमीनें जो है ना वहां पर ज्यादा हो गई, कि आगे बढ़ते गए, जमीनें छीनते गए, जुल्म जबर करते रहे। हत्ता कि 1948 में जब क्या कहते हैं कि अच्छा ये मुसलमानों का एहसान था कि वहां पर मुसलमानों की हुकूमत होने के बावजूद भी ये जो है ना इजरायली आकर के बसते रहे और खिलाफत उस्मानिया इनको पनाह देता रहा, मुसलमान इनके साथ एहसान करता रहा, लेकिन इन जालिमों ने मुसलमानों के सारे एहसानात को फरामोश कर दिया। ये खिलाफत उस्मानिया का एहसान था जो यहूदी वहां आबाद होते रहे, इनको पनाह ये खिलाफत देती रही, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही खिलाफत उस्मानिया का जवाल हुआ, खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, और फिर मुकम्मल तौर से इन्होंने इसको अपने कब्जे में कर लिया।
और यहूदी रियासत वहां पर इसराइल में फलस्तीन में इसराइल के नाम से यहूदी रियासत कायम हो गई। खिलाफत उस्मानिया का ख़त्म होना ये उम्मत के लिए तबाही का दिन शुरू हो गया, क्योंकि यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश ये भी है कि मुसलमानों को बर्बाद करना, तो दो चीज़ इनके अंदर से निकाल दो, एक तो निकालना है खिलाफत नाम की कोई शय बाकी ना रहे, दूसरा जिहाद, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि उम्मत मुत्तहिद हो जाती है। अगर यही दो चीज़ों का वजूद ख़त्म हो जाएगा तो उम्मत का शिरादा बिखरा रहेगा। आज अगर रूए ज़मीन पर कहीं भी इस्लामी हुकूमत होती, कहीं भी ना, आज जो हम देख रहे हैं ये लड़ाइयाँ झगड़े मुसलमानों पर जुर्म ये नहीं होता। आप देख ले हुजूर के मुबारक दौर से, हुजूर के बाद खुल्फा राशिदीन के दौर से, हर दौर में कहीं न कहीं खिलाफत नाम की चीज थी, मुसलमानों की इज्जत थी, गलबा था, ये जुल्म मुसलमानों पर नहीं होता था। सबसे पहले खिलाफत राशिदा कायम हुई, उसके बाद बनू अब्बास की खिलाफत, बनू मंजा की खिलाफत, संजू की खिलाफत, उसके बाद ये अजूबियों की खिलाफत, और क्या कहते हैं खिलाफत उस्मानिया, ये सिलसिला चलता रहा 1924 तक। उसके बाद 1924 के बाद पूरी दुनिया में खिलाफत नाम की हर शय खत्म हो गई। यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश थी, खत्म कर दिया। अब मुसलमानों पर जहां मर्जी जहां जुर्म हो कोई मुत्तहिद नहीं होता है। और दूसरा नाम जिहाद का, ये दोनों चीजें हमारी तारीख से इन्होंने मिटा दिया। अब जहां मर, चूंकि ये दो चीजें ऐसी थी जिस पर उम्मत मुत्तहिद होती हो और मुत्तहिद होकर उम्मत खड़ी हो जाती उम्मत मुस्लिमा, तो ये अपने मंसूबे में भी कामयाब न हो सकते थे। ये दो चीजें हमारे दिलों से अंदर से इन्होंने निकाल दिया। तो मैं याद कर रहा था कि देखिए खिलाफत उस्मानिया के जवाल के बाद फिर उस मुल्क को जवाल लग गया, गोया कि बैतुल मुकद्दस को उन्होंने मजबूती के साथ उस पर कब्जा जमा लिया और उसके बाद आए दिन तबाही मचा रही। तो ये तारीख बैतुल मुकद्दस की आखिरी बात बता रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया। वो हैकल सुलेमानी का इस यहूदियों का सबसे पहला प्लान मुसलमानों को ख़त्म करना, चूंकि ये जानते हैं कि जब तक ये मुसलमान रहेंगे फलस्तीन की सरजमीन पर तब तक हम अपना अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकते। और एक हदीस पाक आपको सुना दूं जो मेरे आका सलाम फरमाए कि ये ख्वाहिश तो इनकी पूरी हो ही नहीं सकती है। मेरे आका फरमाते हैं कि ला तज़ालु ताइफ़तु मिन उम्मति अला हक़्क ज़ाहिरीना अला अदुव्विहिम अला अबवाब दमिश व मा हौलहा। आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के एक गरोह हमेशा गालिब रहेगा, हक के लिए लड़ता रहेगा अपने दुश्मनों से। फरमाया, पूछा गया हुजूर वो कहाँ होगा, फरमाया अला बाब दमिश्क व मा हौलहा, दमिश्क और उसके इर्द गिर्द के इलाके, अला अबवाब बैतुल मक़दिस, मैं बैतुल मक़दिस के दरवाजे पर हमेशा मेरी उम्मत का एक गिरोह लड़ता रहेगा। आप देख ले ये सिलसिला 100 साल से जारी है, यहूदियों का और मुसलमानों के जो झड़प हो रहे अब ज्यादा हो गया, लेकिन हमेशा वहां पर लोग मुजाहिदीन जो है लड़ते रहते हैं। और एक हदीस पाक में आका पूछा गया हुजूर वायना हूँ वो कहाँ होंगे, आका फरमाते बैतुल मक़द्दस व अकनाफ बैतुल मक़द्दस, वो बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द इलाकों में होंगे जो हमेशा काफिरों से जालिमों से लड़ते रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इनका प्लान तो है लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया इस पर ये कामयाब नहीं हो सकते। अलबत्ता दूसरा इनका जो टारगेट है बैतुल मुकद्दस को क्या करना, वो खाने मस्जिद अक्सा को शहीद करना, इसके खातिर उन्होंने आप देखेंगे वहां पर बहुत सारा सुरंगे बना करके उसकी बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। बल्कि 1969 में एक इसराइली जो है ना, एक मतलब ऑस्ट्रेलिया से एक यहूदी आया, उस बदबخت ने आग लगा दी आग मस्जिद अक्सा में, जिसका किबला की सम तकरीबन 3 घंटा आग की लपेट में मस्जिद रही, किबला की तरफ का जो हिस्सा था वो जल गया। और आज भी ये अंदर से जो है ना सुरंगे खोद रहे हैं, उसकी बुनियादों को खोखला कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से ये जो है ना मस्जिद अक्सा शहीद कर दी जाए, ये इनका प्लान है। और इन्होंने यहाँ तक कि आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं मस्नूई जलजला, इसकी भी तैयारी है, क्योंकि जानते हैं अगर इस तरह डायरेक्ट हमला करके गिराएंगे पूरी दुनिया में जंग की आग भड़क जाएगी, फिर संभालना मुश्किल होगा। आज भी मुसलमान बेदार हैं, इनके लिए मस्जिद अक्सा गिराना आसान काम नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई सूरत ऐसा हो कि खुद बखुद गिर जाए, जलजला आ जाए, जैसे गिर जाएगी तो लड़ाई भी ना होगी, हम फौरन वो तामीर कर लेंगे। थर्ड टेम्पल जिसको कहते हैं
तो ये इसको गिराने की साजिश में बरसों लगे हुए हैं, ये इनका मतलब प्लान है। उसके बाद मस्जिद अक्सा को गिरा कर वही हैकल सुलेमानी जिसको कहते हैं थर्ड टेम्पल, क्योंकि वो सुलेमान सलाम का जो किला था उसका उनका माबद था वो एक हजरत सुलेमान सलाम ने तामीर किया था। उसके बाद बख्त नसर बादशाह आया तो उसने गिरा दिया उसको, फिर उसको यहूदियों के हाथ में आया तो तामीर किया, फिर किसी और ने गिरा दिया, अब गिरा पड़ा है वो दूसरी बार, गिरा दो बार तामीर हो चुका, गिरा पड़ा है। अब ये इनका इनकी किताबों में जो इनका नजरिया अकीदा वो ये है कि ये थर्ड टेम्पल यानी वो किला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, किले सुलेमानी जैसे तामीर होगा और वो तख्त ला करके उस पर रखेंगे तो उसके बाद हमारा मसीहा दज्जाल आ जाएगा। ये दज्जाल को अपना सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं, उसके इंतजार में दुआएं कर रहे हैं कि दज्जाल आ जाए आ जाए। और हदीस पाक में दज्जाल के साथ जो फौज होगी वो सब यहूदियों की फौज होगी जो खुदाई का दावा करेगी, तो अपने मसीहा दज्जाल को लाने के लिए दुआएं भी करते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस चक्कर में जितना जल्दी हम वो थर्ड टेम्पल बना देंगे वो किला, वहीं पर हमारा मसीहा दज्जाल बैठ करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और हमारा सिक्का चलेगा, समझ रहे ना। तो इस थर्ड टेम्पल को हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर करने के लिए सारा मंसूबा इन्होंने बना लिया है, बस मस्जिद अक्सा को गिराए माजल्ला और हैकल सुलेमानी को तामीर कर लेते हैं, ये इनका प्लान है माजल्ला रब्बिल आलमीन। अब अल्लाह क्या चाहता है कुछ पता नहीं, बहरहाल ये तारीखी हैसियत से हमें मालूम रखना था, ये करना था कि इस तरीके से यहूदी हमारे खिलाफ साजिशें मुसलमानों कर रहे हैं। तो ये थर्ड टेम्पल का मामला था और हमने आपको मुख्तसर में जो बैतुल मुकद्दस की तारीख बताई उसे आप याद रखें, हमारी यादगारें वाबस्ता हैं, हमारे अकीदतों का मरकज है, हमें ये तारीखें मालूम होना चाहिए, मुसलमान है यार, हमें नहीं पता होगा तो बताओ फिर कौन मालूम करेगा, पता होना चाहिए। बहरहाल अपनी बात ख़त्म करता हूँ, वक्त पूरा हो गया है, मुसलमानों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम अज़ कम अपने उन फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मुजाहिदीन के लिए हम हर वक्त अपनी दुआ में उनको याद रखें। दुआ मोमिन का हथियार है, बहुत बड़ी ताकत है दुआ में याद रखना। बाद लोग वीडियो बना करके बेचते रहते हैं कि दुआ करने से क्या चलेगा, हुजूर ने क्या दुआ किया था कि वो निकले थे मैदान में, मैं कहता हूँ जालिमों निकलने का वक्त आ गया, निकलेंगे, अभी दुआ का वक्त है, दुआ करें, दुआ जंग करना और उसके बाद जंग के लिए दुआ करना हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है, पढ़ ले। हुजूर जंग में गए, हर जंग में जाने से पहले मेरे आका दुआ पहले किया करते थे, दुआ मोमिन का हथियार है, जो काम हम कर सकते हैं कम अज कम वो करें, दुआ में बहुत ताकत है, कम ताकत नहीं याद रखना, इंशाल्लाह वक्त आएगा तो उसके लिए भी निकलेंगे, वो भी जाएंगे, लेकिन जो काम अभी हम कर सकते हैं हमारे अंदर जो ताकत है उस आते वो करें, हर दुआ में अपने और मुसलमानों के लिए याद रखेगा अल्लाह, उनकी मदद फरमाए, बस उन्हें गैर से मदद फरमाए, अल्लाह उन्हें ताकत दे और इज्जत दे, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, बस अल्लाह ताला हम सब के अंदर जज्बे जिहाद अता फरमाए, अल्लाह हमें कुव्वत दे अपने मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करने की, उनकी मदद करने की, और अल्लाह हमारे मस्जिद अक्सा को अर्द मुकद्दस को जालिमों के कहर से बचा ले और हमें आज़ाद नसीब फरमा, आमीन बिजानिबिल करीम। आखिर में आपको वजीफ़ा आज का बता देते हैं, ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, आप सबको याद भी है कि चोरी से मालो असबाब की चोरी और अचानक मौत से हिफाजत का वजीफ़ा है, मालो असबाब की चोरी और अचानक मौत से हिफाजत का वजीफ़ा है। रात में सोने से पहले 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, आपको याद है सोने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 मरतबा पढ़ करके सो जाएंगे तो इंशाल्लाह रात भर आपका माल भी चोरी नहीं होगा और आपकी हिफाजत भी रहेगी। जैसे आप सफ़र वफर में जा रहे हैं तो सफ़र में भी कभी सोना हो तो सामान साथ में होता, वहाँ ख़तरा होता, 21 बार बिस्मिल्लाह पढ़ करके सो जाएं। दुकान आप बंद करें तो भी आप पढ़ करके 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके दम करके चले जाएं, इंशाल्लाह आपकी दुकान की हिफाजत रहेगी। तो बहरहाल ये वजीफ़ा पढ़ा करें, वजीफ़ा पढ़ने की बरकत होती है कि जो इसकी बरकतें हैं वो तो मिलेगी, साथ साथ अल्लाह पाक का जिक्र करने की भी सआदत नसीब हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।